नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी के प्रथम वर्ष की कक्षा में कहानी का उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। संस्कृत कथा साहित्य को ही विश्व के कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, किंतु आधुनिक हिंदी कहानी का विकास संस्कृत से न होकर अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव रूप में हुआ। वरिष्ठ आलोचक रामकुमार राजकुमार कहानी के संदर्भ में लिखते हैं, कहानी बोरे की तरह है और यथार्थ माल की तरह। कहानी यथार्थ रूपी माल को अपने भीतर भरती है। यथार्थ के वजन से कहानी की श्रेष्ठता या महानता का मूल्यांकन होता है। उपन्यासों की तरह कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से हुआ। भक्त कवियों की कथा, 252 वैष्णवों की वार्ता तथा 284 वैष्णवों की वार्ता से कहानी का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं और कुछ शिव सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना एवं कुछ किशोरी लाल गोस्वामी रचित इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस तरह विभिन्न आलोचकों के द्वारा अलग अलग कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। वहीं आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम निम्नांकित प्रकार से समझ सकते हैं। हम इस यात्रा को चार कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग और चौथा स्वतंत्र युग अर्थात स्वतंत्रता के बाद का युग। प्रेमचंद पूर्व युग में किन किन कहानियों का सृजन हुआ और कैसे कहानी निरंतर विकास को प्राप्त होती रही, उसके बारे में हम विचार करेंगे। हिंदी कहानी की विकास यात्रा सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से हुई। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपती थी। प्रेमचंद युग में गुलेरी जी का नाम प्रमुख था। इनकी उसने कहा था कहानी अत्यंत ही लोकप्रिय हुई। यह कहानी उदात्त प्रेम की कहानी है एवं कला की दृष्टि से यह कहानी बहुत ही उत्कृष्ट कहानी मानी जाती है। बंग महिला की तुलाई वाली एवं प्रसाद जी की ग्राम कहानी इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। पूर्वी प्रेमचंद युग में प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ, सुदर्शन आचार्य, चतुरसेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, विश्वंभरनाथ की रक्षाबंधन आदि इस युग की प्रमुख कहानियां मानी जाती है। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान व ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई। कहानी का वास्तविक स्वरूप हमें प्रेमचंद युग में ही दिखाई देता है और प्रेमचंद युग में ही निखर कर सामने आता है। अब हम प्रेमचंद पूर्व युग की बात प्रेमचंद युग की ओर बढ़ते हैं, जहां कहानी ने किस तरह अपनी विकास यात्रा को निरंतर गतिशील रखा। प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। इस युग में कहानी के स्वरूप का विकास हुआ, कहानी की कलात्मकता का विकास हुआ एवं परिष्कृत रूप निखर कर आया। कहानी के सभी तत्वों यथा कथानक, संवाद, कथोपकथन, चरित्र, देशकाल, वातावरण, भाषा, उद्देश्य में निखार आया। प्रेमचंद इस युग के सबसे बड़े कहानीकार हुए हैं, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी प्रमुख कहानियां बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद अपनी कथा यात्रा को आदर्शवाद से प्रारंभ कर यथार्थवाद की ओर बढ़े हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं और बुराइयों का वर्णन किया, हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया, इसलिए इन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ कौशिक, यशपाल पांडेय, बेजेन शर्मा उग्र इनके बाद के कहानीकार हैं। उग्र की कहानियां कटु यथार्थवादी है। उन्होंने समाज के विभत्स चित्र अपनी कहानियों में दिखाए हैं।
यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में समाज व परंपराओं की आलोचना की जो गरीबों का शोषण करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा आदि भी इस युग के कलाकार हैं। हमने देखा कि पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, ये दोनों युगों में कहानी ने निरंतर अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया और हम देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद भी कहानी में परिवर्तन भी हुए और कहानी निरंतर आगे की ओर गतिशील भी रही। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में बहुत परिवर्तन हुए। एक तरफ मनोवैज्ञानिक, एक तरफ समाजवादी कहानी लिखी गई। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में यशपाल, अमृत राय, रांगेय राघव, भगवती चरण वर्मा, विद्या अलंकार आदि प्रमुख कहानीकार हुए। अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी विचारधारा के थे, उन्हें हम यथार्थवादी भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय आदि का नाम प्रमुखता से आता है। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वरनाथ रेणु तथा मार्कंडेय का नाम भी उल्लेखनीय है। छात्राओं, इस तरह हम देखते हैं कि कहानी का उद्भव और विकास चार चरणों में निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहा और कहानी अपने रूप में आगे की ओर बढ़ती रही। इस तरह हम कहानी के उद्भव और विकास के इस पहले भाग को हमने आज की कक्षा में पढ़ा है। आगे की कक्षा में, अगली कक्षा में हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।